जापान में नए जानलेवा वायरस का इंकशाफ, वायरस ने खातून की जान ले ली। खबर असा एजेंसी के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्टिव डिजीज और वजारत सेहत मेहनत और बहबूद की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक नए जानलेवा वायरस का नाम ओज है। रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो की रिहायशी 70 साल खातून गुज़िश्ता साल इस वायरस से मुतासिर हुई थी। उन्होंने कभी बैरून मुल्क सफर नहीं किया, लेकिन उन्हें हाई ब्लड प्रेशर समेत बुनियादी बीमारियाँ लाहक थी। अस्पताल लाई गई मरीजा का तफसीली मुआयना किया गया तो खातून की दाएं टांग पर एक कीड़ा टिक खून चूसता हुआ पाया गया। अस्पताल में दाखिल होने के 26 दिन बाद दिल की सोजिश मायोकार्डिटिस की अलामत की वजह से इनकी मौत वाकई हुई। माहरीन के मुताबिक ओज वायरस टिक के काटने से फैलता है, जिसकी नस्ल जापान में मौजूद है। ताहम ताहल जापान से बाहर इस वायरस की तस्दीक नहीं हुई। माहरीन ने खबरदार किया कि जहां पर ये खून चूसने वाला कीड़ा टिक पाया जाता है, वहां लोग अपना पूरा जिस्म ढांक कर रखें और कीड़े के चिपकने की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू करें। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज तो हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुँचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो निकाली गई है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर वन न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।